गाइज इस समय जो है फ्लिपकार्ट पे आईफोन लूट चल रही है। गाइज अगर आपके पास बजाज फाइनेंसरी कार्ड है तो गाइज आईफोन जो है आप लूट सकते हैं। यहाँ पे 3 मंथ के लिए जो है ईएमआई नो कॉस्ट पे जो है आपको आईफोन बजाज फाइनेंसरी कार्ड से दे दिए जा रहे हैं। गाइज हम आप सबको लाइव दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से जो है हमने बजाज फाइनेंसरी कार्ड से आईफोन को जो है बुक किया है। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने आईफोन को जो है व्हाइट कलर में यहाँ पे परचेस किया है और गाइज यहाँ पे इंटरनल देख सकते हैं 128 है। उसके बाद गाइज इसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 36,019 रुपया दिया है, जो कि इसका ओरिजिनल प्राइस आपको 60,000 कुछ रुपया दिखा रही थी। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है शिफ्ट हो गई है, जो कि कुछ ही दिनों के बाद जो है हमारे घर पे प्रोडक्ट आ जाएगी। गाइज काफी इजी वे में जो है हमने बजाज फाइनेंसरी कार्ड से जो है परचेस किया है। गाइज अगर आपके बजाज फाइनेंसरी कार्ड का सीवीवी नहीं भी है तो गाइज यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। गाइज सीवीवी की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। गाइज बजाज फाइनेंसरी कार्ड से जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपको सीवीवी नंबर की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके पास सीवीवी नंबर नहीं है तो गाइज आप बिल्कुल टेंशन मत ले। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इस समय जो है काफी चीजों पर जो है छूट चल रही है। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपको आईफोन का भी जो है मोबाइल पे काफी समय लूट चल रही है, जो कि बजाज फाइनेंसरी कार्ड से जो है कैसे आपको यहाँ पे परचेस करना है ईएमआई नो कॉस्ट पे। आपको वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना होगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे तभी जो है आपको यहाँ पे समझ में आएगी कि आपको जो है कैसे बजाज फाइनेंसरी कार्ड से जो है आईफोन ऑर्डर करनी है। गाइज सबसे पहले जो है आपका जो भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है उसको जो है एक बार अपडेट करना है, अनइंस्टॉल कर जो है फिर से आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद गाइज आपको जो है फिर से अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डालकर इसमें लॉग इन हो जाना है। लॉग इन होने के बाद गाइज आपके सामने जो है बिग बिलियन डेज का ऑफर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जो है गाइज आपको यहाँ पे अपना आईफोन चूज करना है। जैसे कि गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे मोबाइल टैबलेट दिया गया है, तो गाइज इसी के अंदर में से जो है आपको अपना मोबाइल चूज करना है, जो कि आपको यहाँ पे काफी सारा छूट देखने को मिल जाता है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आपको मोबाइल का ऑप्शन आ जा रही है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आपको अपना जो भी आईफोन सेलेक्ट करना है आपको अपना आईफोन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जो है आपको आईफोन का आइकन नजर आ रहा है, सिंपली गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो गाइज आईफोन के अंदर जितने भी फोन होते हैं वो आपके डिस्प्ले पर दिख जाएगी। यहाँ पे जो है आपको कोई भी अपना आईफोन सेलेक्ट करना है, जैसे कि गाइज मान लीजिए यहाँ पे आईफोन 11 ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं इसका ओरिजिनल प्राइस हमको देखने को मिल जाता है 40,990 रुपए में जो है हमको यहाँ पे एप्पल आईफोन 11 जो है ब्लैक कलर का दे रही है। इससे महंगा जो है मैं यहाँ पे मोबाइल देखता हूँ जो कि आपको यहाँ पे आईफोन 12 दिख जाता है यहाँ पे ब्लैक कलर का। तो सिंपली गाइज इसी पे जो है हम आप सबको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आपको बजाज फाइनेंसरी कार्ड को यहाँ पे एक्टिवेट करनी है। सिंपली गाइज इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जो है सारे स्टोरेज चेक कर लेना है, मोबाइल के बारे में जो भी स्पेसिफिकेशन है आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे रेटिंग दिया जाता है, तो बिल्कुल रेटिंग पर आप एक बार ध्यान देंगे। अगर ये मोबाइल आपको जचती है तभी जो है आप यहाँ पे लेंगे। गाइज इस मोबाइल में जो है आपको डिजाइन अच्छी मिल जाती है, डिस्प्ले जो है ठीक ठाक मिल जाती है, बैटरी बैकअप जो है उतनी अच्छी नहीं मिलती है, बट गाइज कैमरा जो है इसका बहुत ही तगड़ा मिल जाता है। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आपको बाय नाउ करना है। उससे पहले गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ईएमआई का। ठीक है, तो सिंपली गाइज आपको जो है एक बार यहाँ पे चेक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ईएमआई फ्रॉम जो है स्टार्ट दिया गया 1837 रुपया से, जो कि आपको यहाँ पे व्यू प्लान देखने को मिल जाता है। सिंपली गाइज व्यू प्लान पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर जितने भी क्रेडिट कार्ड होते हैं बैंक वाले यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं उनका सारा नाम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपको जो है यहाँ पे एक बार देखना है बजाज फाइनेंसरी कार्ड का। अगर आपको यहाँ पे दिख जाती है तो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है, बट गाइज आपको यहाँ पे बजाज फाइनेंसरी कार्ड जो है नहीं देखने को मिलता है। तो सिंपली गाइज आपको घबराना नहीं है, आपको जो है यहाँ पे एक स्टेप बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली गाइज आपको जो है बाय नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है आपका एड्रेस वेरीफाई कराया जाएगा। अगर आपके एड्रेस पे अवेलेबल होगा तो यहाँ पे जो है आपको अपना यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है। फिर से बाय नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइज 10% का जो है आपको छूट मिलता है। अगर आप कोई भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो गाइज यहाँ पे जो है आप 1000 से लेकर 1700 का जो है यहाँ पे आपको छूट मिल जाता है। गाइज यहाँ पे कुछ एसेसरीज दिखाया जाता है, जो कि आपका यहाँ पे चार्जर दिख जाता है, उसका आईफोन का कवर यहाँ पे दिख जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे कंप्लीट मोबाइल प्रोटेक्शन का जो है आपको यहाँ पे इंश्योरेंस 2799 रुपये का मिल जाता है। तो गाइज इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है आपको एड पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते तो नीचे जो है आपको यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिया गया है एंड कंटिन्यू का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो है आपका एड्रेस आ जाएगा। अपने एड्रेस को जो है यहाँ पे वेरीफाई कर लेनी है। वेरीफाई करने के बाद गाइज आपको नीचे जो है यहाँ पे कंटिन्यू का बटन मिलता है। सिंपली गाइज आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से जो है आपको यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया जाता है कि आपके घर पे जो भी डिलीवरी बॉय आएंगे वो आपको यहाँ पे जो है
पैकेज खोल कर दिखाएंगे और गाइज आपसे ओटीपी लेकर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको ओटीपी अब बिल्कुल शेयर कर देनी है, जो कि आपको यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन में दिखाया जा रहा है। सिंपली गाइज आपको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो गाइज यहाँ पे जो है आपको काफी तरीका का जो है पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। गाइज आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि अगर आप बजाज फाइनेंशियल कार्ड से नहीं करते हैं, आप कोई क्रेडिट कार्ड से करते हैं या आप ईएमआई पे लेटर से करते हैं फ्लिपकार्ट के, तो गाइज आपको यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा कितना देना पड़ जाता है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे जो है प्लान चूज करने के लिए दिया जा रहा है, तो सिंपली गाइज यहाँ पे सिलेक्ट प्लान पर हम क्लिक करते हैं तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे 3 मंथ के लिए जो है हमको मिल रहा है जो कि 24% इंटरेस्ट रेट, जो कि टोटल पैसा हमको यहाँ पे दिखाया जाए 38,423 रुपया। ठीक है, यहाँ पे 6 मंथ के लिए दिया गया जो कि आपको यहाँ पे 39,564 रुपया आपको देना होगा। गाइज यहाँ पे जो है लगभग आपसे 1,500 से लेकर 3,000 के बीच में जो है पैसा एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है हम इसको छोड़ते हैं, बजाज फाइनेंशियल कार्ड से जो है हमको अप्लाई करना है तो उसका ऑप्शन एक बार हम यहाँ पे चेक करते हैं। सिंपली गाइज आपको जो है नीचे आना है, नीचे आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ईएमआई इजी इंस्टॉलमेंट दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज आपको नीचे जो है कंटिन्यू का बटन मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका पेज जो है फिर से रिफ्रेश होगी, उसके बाद गाइज आपके सामने जो है फिर से कुछ क्रेडिट कार्ड का लिस्ट दिखाया जाएगा। तो गाइज फिर से जो है हमको यहाँ पे बजाज फाइनेंशियल कार्ड का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, आपको फिर से एक बार नीचे यहाँ पे चेक कर लेनी है। इसमें भी जो है आपको बजाज फाइनेंशियल कार्ड का ऑप्शन दिया रहता है बट गाइज यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता है। तो गाइज हम आप सबको बता दें कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे एक्टिव नहीं है तो गाइज आपको जो है यहाँ पे आईफोन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि गाइज बजाज फाइनेंशियल कार्ड जो है आपको यहाँ पे कुछ ही देर के लिए आ रही है। सिंपली गाइज आपको जो है अगर आप एक्टिव रहते हैं फ्लिपकार्ट पे तो गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल सकती है। गाइज हम आप सबको बता दें कि अगर आप इंस्टेंट आईफोन खरीदना चाहते हैं तो गाइज आप दूसरा भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक का, उसके बाद गाइज यहाँ पे जो है आपको SBI क्रेडिट कार्ड का मिल जाएगा। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का लिंक जो है आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां क्लिक कर जो है आप इंस्टेंट अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं और गाइज उस क्रेडिट कार्ड से जो है इंस्टेंट आप आईफोन खरीद सकते हैं। गाइज काफी वहां पे इजी प्रोसेस होता है, इंस्टेंट आपको जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अगर रियल में आईफोन खरीदना चाहते हैं तो गाइज आपको जो है दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज बजाज फाइनेंशियल कार्ड जो है आप सबको यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखा रही है। तो गाइज बैंक का क्रेडिट कार्ड न्यू अप्लाई करके जो है आप यहाँ पे आईफोन काफी इजी तरीका से ले सकते हैं। चलिए गाइज वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। गाइज जैसे ही अपडेट आती है बजाज फाइनेंशियल की ओर से मैं आप सबको अपडेट दे दूंगा ताकि आगे आप सबको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।